इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अधिवक्ता ओंकार तोमर खुदकुशी मामले में मेरठ के अधिवक्ताओं ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। अधिवक्ताओं ने आज मेरठ बार एसोसिएशन में जिला बार एसोसिएशन की संयुक्त सभा का नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। गिरफ्तारी ना होने पर अधिवक्ताओं ने 18 फरवरी को पुनः संयुक्त आम सभा बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसी क्रम में बार एसोसिएशन ने 16, 17 व 18 फरवरी तक कचहरी में कार्य से विरत होने की भी घोषणा कर दी है। यानी 3 दिन तक कचहरी में अधिवक्ताओं द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। बार एसोसिएशन की इस चेतावनी व घोषणा ने जिला पुलिस प्रशासन की परेशानी पर बल डाल दिए हैं। वहीं सुसाइड नोट व दर्ज की गई रिपोर्ट में भले ही भाजपा विधायक दिनेश खत्री का नाम शामिल हो, लेकिन विधायक की गिरफ्तारी स्वयं में पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आपको याद दिला दें कि बीती शनिवार को गंगानगर थाना क्षेत्र के ईशापुरम स्थित आवास पर वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों के मुताबिक बेटे लव कुमार की पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने के बाद से ओंकार तोमर लगातार परेशान चल रहे थे। भाजपा विधायक दिनेश खत्रीक ने दोनों परिवारों के बीच समझौता कराया था। आरोप है कि भाजपा विधायक बराबर ओंकार तोमर पर 15 लाख रुपए नकद देने का दबाव बना रहे थे। पैसा अप्रैल तक देना था, लेकिन विधायक तुरंत भुगतान करने की बात कर रहे थे। इसके चलते ही 12 फरवरी की शाम ग्राम निड़ावली निवासी मुनेंद्र कुछ लोगों को लेकर ओंकार तोमर के घर पहुंचा और बताया कि उन्हें विधायक दिनेश खटीक ने यह संदेश देने के लिए भेजा है कि या तो 15 लाख रुपए दे दो, वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद सुबह ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अधिवक्ताओं के भारी दबाव के बाद भाजपा विधायक दिनेश खटीक समेत 14 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। रिपोर्ट दर्ज हुए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर त्यागी ने फर्स्ट बाइट को बताया है कि संयुक्त सभा में पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का समय नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दिया है। 18 तक अधिवक्ता इस घटना के विरोध में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के मांग करते हुए कार्य से विरत रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।